गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ऑक्सीजन गैस प्लांट यानी कि मेडिकल गैस प्लांट में किस तरह के सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से हम लोग डी टाइप बल्क सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग लिक्विड सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। दोस्तों ये 6 फीट के लिक्विड सिलेंडर्स है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आता है दोस्तों, जो हम लोग वेंटिलेटर्स के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों इन हॉस्पिटल्स में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हेडर है दोस्तों। ये हेडर में हम लोग हमारा जो भी आउटलेट होता है सिलेंडर्स का, उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा आउटलेट है दोस्तों, इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई आप देख सकते हैं। ये बर्फ़ इसलिए जमती है दोस्तों क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिसको हमें इन फिन्स के थ्रू हमें सप्लाई करना होता है हमारी ऑक्सीजन की जो मेन लाइन होती है उसमें दोस्तों। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है। ये हमारा आउटलेट यहाँ पे कनेक्ट है आप देख सकते हैं, और इस फ्लेक्सिबल होस कनेक्शन के थ्रू हम लोग हमारे सिलेंडर्स को हमारे हेडर तक हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिन्स के थ्रू हमारी मेन लाइन में हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है दोस्तों। एंड देन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन केबल है, इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई दोस्तों। और इन सिलेंडर्स में हम लोग वेंट भी करते हैं दोस्तों, किस तरह से वेंट करते हैं मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें 4 टाइप के वॉल होते हैं दोस्तों, एक होता है वेंट, और एक होता है यूज़, और एक होता है PB, और एक होता है लिक्विड। 4 टाइप के हमारे पास वॉल होते हैं दोस्तों, इसमें से 2 वॉल को हमें ओपन करना होता है जब कभी भी हम हमारे सिलेंडर्स को हमारे हेडर से कनेक्ट करते हैं और इसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो ये 2 वॉल को हमें ओपन करना होता है। वो वॉल कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट वन हमारा वॉल है दोस्तों वेंट। वेंट से हम लोग अगर इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है तो उसे हम रिमूव करते हैं। एंड देन उसके बाद है ये हमारा वॉल यूज़ करके लिखा हुआ दोस्तों, जिसको ओपन करने से हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे सिलेंडर से सप्लाई होता है दोस्तों। एंड देन उसके बाद है नेक्स्ट वन PB, और एंड देन लास्ट वन है दोस्तों लिक्विड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिक्विड का वॉल है। जब कभी भी हमको ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है दोस्तों, तब हम लोग PB और लिक्विड वॉल को ओपन करते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन इस फ्लेक्सिबल होस कनेक्शन के थ्रू हमारे हेडर में जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फ्लेक्सिबल होस कनेक्शन का आउटलेट है। ये हम लोग हमारे हेडर में इस चकनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद PB और लिक्विड का वॉल ओपन करने के बाद हमारे हेडर के थ्रू एंड फिन्स के थ्रू हमारा ऑक्सीजन मेन सप्लाई लाइन में जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे लिक्विड सिलेंडर्स हैं, इनकी हाइट 6 फीट होती है दोस्तों, और ये इस तरह से फ्रेम के अंदर कनेक्ट होते हैं, जिससे इनको प्रॉपरली सपोर्ट मिले और वो प्रॉपरली स्टैंड हो दोस्तों। और ये हमारा हेडर है, आप लोग देख सकते हैं, हेडर के ऊपर हम लोगों ने क्लाइडिंग की है क्योंकि इसको कोई डैमेज ना हो और इसके ऊपर कोई आइस ना आए। ये हमारा वेंट का प्रेशर है दोस्तों, अगर ये 200 से ज़्यादा होता है तो हम लोग इस तरह से ये वॉल को ओपन करते हैं दोस्तों। एंड देन उसके बाद जो भी एक्सेस प्रेशर होता है हमारे सिलेंडर के अंदर, उसको हम लोग रिमूव करते हैं दोस्तों। बिलो 200 के बाद हम लोग इसको वॉल को क्लोज कर देते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ अगर ये प्रेशर हमारा 300 या फिर 350 के अबव होता है तो ये ऑटोमेटिकली वेंट होना शुरू होता है दोस्तों, जो हमारे सिलेंडर के लिए बेहतर नहीं होता। इससे हमारे सिलेंडर की जो जॉइंट्स होते हैं वो वीक हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग ये एक्सेस प्रेशर को रिमूव करते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से प्रेशर जाएगा दोस्तों, हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे प्रेशर गेज के अंदर और डायल गेज के अंदर अभी 200 प्रेशर है दोस्तों। ये ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, अगर ये इंक्रीज़ होता है दोस्तों तो जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जब कभी भी हम लोग हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर आता है हमारे हॉस्पिटल पर, तो जब हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और सिलेंडर हमारा पूरा एम्प्टी होने के बाद हम लोग ये प्रोसेस करते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ इफ़ हमारा सिलेंडर फुल है, मीन्स उसके अंदर
लिक्विड ऑक्सीजन है, तो तब हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। फर्स्ट हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और जब एम्प्टी बॉटल होता है, एम्प्टी बॉटल के अंदर जब एक्सेस प्रेशर होता है, जब हम लोग उस एक्सेस प्रेशर को इस वेंट वॉल के थ्रू रिमूव करते हैं दोस्तों। वेंट वॉल करके लिखा होगा दोस्तों, उसको ओपन करने के बाद ये सारा हमारा प्रेशर इस तरह से रिलीज हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग और भी ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं गैस प्लांट के ऊपर, और किस तरह से गैस प्लांट वर्क करता है, किस तरह से ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, किस तरह से नाइट्रस सप्लाई करते हैं, और किस तरह से नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन कहाँ पर यूज़ होता है, और जो भी हमारा CO2 कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से उसकी हम लोग रिफिलिंग करते हैं, और जो भी हमारे छोटे बी टाइप सिलेंडर्स होते हैं उसको हम लोग किस तरह से रिफिल करते हैं थ्रू हमारे डी टाइप बड़े सिलेंडर के थ्रू हम लोग उसको रिफिल करते हैं, ये सभी वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। गुड बाय।